Welcome to my physics class. Last class, what we have discussed? Last class, we have discussed about electric field due to a dipole. Electric field due to a dipole at axial point and at equatorial point. वो दो long questions भी था. जब तक derivation exam में आते हैं, board exam पे. आज discussion करेंगे electric flux के बारे में. क्या? Electric flux के बारे में. क्या? देखो ये electric flux होता क्या चीज़ है? क्या चीज़ होता है? हम discussion करेंगे electric फ्लॉक्स. ये इलेक्ट्रिक फ्लॉक्स से जाने से पहले मैं तुमको एक चीज बताना चाहता हूं. क्या? एरिया के बारे में. किसी भी सरफेस का एरिया के बारे में. मेरा यहां पे क्वेश्चन है, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी? एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी. जाहिर सी बात है, तुम सब बोलोगे कि सर एरिया का क्या कोई डिरेक्शन होता है? तो जाहिर सी बात है, ये स्केलर क्वांटिटी हो. नहीं, एरिया का भी वेक्टर होता है. एरिया का एक डिरेक्शन होता है और एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी में होता है. देखो किस तरह का होता है. क्यों हम बोल रहे हैं कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होगा? हम क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़े थे 11th क्लास में. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर में पढ़े थे कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ द पैरेलल होगा. पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? अरे पढ़े थे. तो देखो ये अगर हुआ ऐसे, यहां पे कोई वेक्टर ए वेक्टर बना या यहां पे कोई बी वेक्टर बना, इस तरह पढ़े थे. तो हम क्या बोलते थे? एरिया ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू हाफ ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड. हाफ ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड. अगर इसका कोई मैं डिरेक्शन ले लू, इसका कोई डिरेक्शन ले लू, तो यहां पे थोड़ी एक ही डिरेक्शन जाएगा. क्यों डिरेक्शन जाएगा? क्योंकि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है? रिजल्ट वेक्टर क्वांटिटी देता है. और यहां पे अगर मैं कोई पैरेललोग्राम लू, यहां पे ए वेक्टर दिया तो यहां पे बी वेक्टर दिया, तो अब इसका एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आता था? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड. ये तो आता था ना, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड. तो अगर यहां पे मुझे कोई डिरेक्शन देने के लिए बोले तो मैं यहां पे डिरेक्शन दूंगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज इज ए वेक्टर क्वांटिटी. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज है वेक्टर क्वांटिटी. तो यहां पे क्या मिलेगा मुझे? मुझे वेक्टर ही मिलेगा. यहां पे मुझे क्या मिलेगा? वेक्टर ही मिलेगा. अरे आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है? अरे हाँ यार ना. अब यहां पे क्या होता है? यहां पे क्या होता है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर ए क्रॉस बी मुझे मिल जाता है, ये एरिया वेक्टर है, तो एरिया का क्या है? एक डिरेक्शन है. क्या होता है वो डिरेक्शन? क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट डिरेक्शन? क्या होता है? हम ए से बी घूमेंगे आउटवर्ड ही आएगा, ए से बी घूमेंगे आउटवर्ड आएगा. राइट हैंड स्क्रू रूल में ए में देखा, बी की तरफ घूमा, तो एक्सटेंडेड थंब विल गिव द डिरेक्शन ऑफ वेक्टर. उसी तरह किसी भी एक सरफेस को चलो, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सरफेस. एरिया वेक्टर डिरेक्शन क्या है लिख लो? एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सरफेस एंड इज डायरेक्टेड आउटवर्ड. दो तरह के होते हैं. हम अगर ये मेरा सरफेस हुआ, देखो मान के चल कि ये मेरा सरफेस हुआ, हाँ कि नहीं, ये मेरा सरफेस हुआ, इसको परपेंडिकुलर कौन होगा? ये होगा या फिर इस तरफ होगा? इसको परपेंडिकुलर ये होगा या फिर ये होगा? तो एरिया वेक्टर हम ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं. अरे हाँ ना, अरे हाँ ना. एक एग्जाम्पल देता हूं तुझे मैं, एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, ये दिखा देता हूं, एक एग्जाम्पल देता हूं मैं. एग्जाम्पल में क्या होता है? अगर मान के चल कि ये, अच्छा मुझे एक रेक्टाएंगल दिया गया है, मुझे रेक्टाएंगल दिया गया है. अच्छा रेक्टाएंगल कुछ इस तरह का है, ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है, हाँ कि नहीं? और रेक्टाएंगल मुझे इस तरह का, अच्छा अच्छा रुक अभी थोड़ा रुक, हाँ ये x एक्सिस है, y एक्सिस है. तो ये मेरा लेंथ l है, ये मेरा ब्रेथ d है. तो ये रेक्टाएंगल का एरिया क्या आएगा? l इंटू बी. जाहिर से सबको पता होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इज द एरिया ऑफ द रेक्टाएंगल. अब इसका जो मैं डिरेक्शन वेक्टर बनाना चाहूं तो क्या मिलेगा? परपेंडिकुलर टू द xy प्लेन. परपेंडिकुलर टू द xy प्लेन कौन होगा? z वेक्टर होगा. जेड एक्सिस होगा. तो इस पे कौन आएगा? वेक्टर आइदर के कैप आएगा और एल बी माइनस के कैप आएगा. एल बी माइनस के कैप आएगा. आ रहा है समझ नहीं? अरे हाँ या ना, ना कोई यहां पर दिक्कत वाली बात नहीं होगा मैं सोच रहा हूं.
एल बी इंटू के क्या बोल सकता है और एल बी इंटू माइनस के क्या बोल सकता है। आ रहा है समझ में? आ रहा है? हाँ या ना बोल जरा इसमें ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात शायद नहीं होगा, शायद नहीं होगा। तो अगर मेरा कैसा दिया गया, ऐसे दिया गया होगा, ऐसे दिया गया होगा, ऐसे दिया गया होगा, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस जेड एक्सिस, मुझे पूछा इसका एरिया निकालो, मुझे पूछा इसका एरिया निकालो, ये एक स्क्वायर है इसका ए ए ए ए ए ए, तो क्या लिखूंगा मैं ए स्क्वायर ही लिखूंगा। कौन से प्लेन पे है? एक्सेट प्लेन पे। कौन आएगा एक वेक्टर इसका? आइदर जेड क्या आएगा और ए स्क्वायर माइनस जेड क्या आएगा। आया कि नहीं समझ में? अरे हाँ आया ना। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देखो, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सरफेस, हाँ कि नहीं। अब आप दिखेंगे, अब आप दिखेंगे, ये वाला हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट को देखते हैं, तो एरिया वेक्टर इज डायरेक्टेड ऑलवेज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द सरफेस एंड अगर मैं कोई क्यूब के लिए लू, कोई क्यूब के लिए लू, देखो क्यूब में बनाता हूं, अगर ये मेरा एक क्यूब हो गया, अच्छा तो अगर ये मेरा फेस मान लो, ये मेरा फेस है, ये मेरा फेस है, हाँ कि नहीं, तो इसका डायरेक्शन क्या निकलेगा, यहां नहीं निकलेगा, इसका डायरेक्शन यहां नहीं निकलेगा, पीछे की तरफ भी जाएगा, इधर भी जाएगा। अगर हम क्या करते हैं, हमारे कॉन्फिडेंस के लिए एक ही सरफेस को हम दिखते हैं जो कि आउटर होगा, यहां से आउटर ही होगा, समझ रहे ना। तो एरिया वेक्टर ऑल कंडीशन है, राइट, इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सरफेस एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड आउटवर्ड, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम द प्लेन ऑफ द सरफेस एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड आउटवर्ड। ऐसा समझ में? दो बात, एरिया वेक्टर डायरेक्शन क्या होगा, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सरफेस एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ द सरफेस। आया कि नहीं समझ में? जो भी सरफेस हो वहां से आउटवर्ड ही निकलेगा, जो भी सरफेस हो वहां से आउटवर्ड ही निकलेगा। आ गया समझ में? अरे हाँ या ना। आ रहे समझ में? अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को चलते हैं, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को चलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को चलते हैं। फ्लक्स के बारे में एक्चुअली अगर मैं इसका डेफिनेशन बताने जाऊं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मान लीजिए हम फाई में रिप्रेजेंट करते हैं, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक्चुअल डेफिनेशन अगर मैं बताते जाऊं तो ये क्या होगा, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग परपेंडिकुलरली टू द प्लेन ऑफ द सरफेस। बहुत बड़ा डेफिनेशन हो गया, अब इसको धीरे धीरे समझेंगे। देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग परपेंडिकुलरली टू द प्लेन ऑफ द सरफेस। आया नहीं समझ में? आ रहे हाँ या ना। तो अब देख ये क्या बना है, पहले छोटे छोटे एग्जाम्पल देखे हम समझाते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल देखे हम समझते हैं। घर का विंडो दिखे वो, अरे घर का विंडो दिखे हो कि नहीं, घर का विंडो दिखे हो। अच्छा मान के चल, यहां पे मान के चल मेरा विंडो है, कोई पे यहां पे मेरा विंडो है, विंडो पे खिड़की मैं जितना खोलूंगा उतना ही तुम्हारे घर को हवा आएगा, हाँ कि नहीं। अगर मैं विंडो क्लोज कर दू तो हवा नहीं आएगा। थोड़ा सा खोला, इतना बड़ा विंडो है, थोड़ा सा मैंने खोला, थोड़ा हवा आया, पूरा ऐसे ऐसे इंक्रीज करते करते गए तो हवा ज्यादा आएगा। अरे हाँ या ना, गुड, हाँ या ना, अरे हाँ या ना। तो अब देख क्या होता है, वो जो विंडो है एक एरिया वेक्टर की तरह है, क्या है, एक एरिया वेक्टर की तरह। जितना तू ज्यादा एरिया लेगा उतना ही तेरा हवा आएगा, जो हवा आ रहा है, जो हवा ऐसे ऐसे आ रहा है वो तेरा लाइन्स ऑफ फोर्स, वो तेरा क्या है, लाइन्स ऑफ फोर्स है। लाइन्स ऑफ फोर्स एक आया तो खिड़की थोड़ा सा खुला, ज्यादा खुलेगा तो ज्यादा लाइन्स ऑफ फोर्स आएगा। जितना ज्यादा लाइन्स ऑफ फोर्स उस एरिया को कट करते करते गया, वो वाला मेरा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो वाला मेरा क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
आया कि नहीं समझ में, आ रहे हाँ या ना। अब दिस नेक्स्ट एग्जांपल मैं तुझे समझाता हूँ इसमें क्या लिखा, हमेशा इसे लेके आ जाते हैं। देख बेटा क्या होता है, मान के चल ये मेरा एक डिस्क की तरह है, ये मेरा एक डिस्क अच्छी तरह से फील आएगा तुझे इलेक्ट्रिक शॉक, ये मेरा एक डिस्क की तरह है। हाँ जी नहीं, मैंने यहाँ पे एक बॉकेट रखा है, बॉकेट नहाना है मुझे, बॉकेट रखा हूँ। हाँ जी नहीं, अब क्या होगा यहां से मैं क्या करूंगा, पानी स्प्रे करूंगा, तू पानी स्प्रे करेगा इसको। हाँ जी नहीं, पानी स्प्रे कर बचपन से खेला होगा, तो क्या होगा यहां पे पानी आगे टकराएगा, जो पानी टकराएगा यहां पे बॉकेट में कलेक्ट होगा। इसमें नीचे मैं बॉकेट रख रहा हूं, देख इस तरह का, तू पानी स्प्रे किया, अब यहां पे पानी क्या हुआ टकराया, अब यहां पे बॉकेट है, जो पानी पानी का बूंद जो टकराएगा वह बॉकेट में कलेक्ट होगा। आ रहा है समझ में, अरे हाँ यहाँ, अरे हाँ यहाँ, आ रहा है समझ में ना, ठीक है। अब अगर मैं इसको थोड़ा चेंज कर लू, थोड़ा चेंज कर लू, इस तरह कर लू, तो जो पानी पहले इस तरह आता था अब वो वाला क्रॉस करके चला जाएगा। अरे हाँ या ना, अब ये है तो यहां भी तो टकराया होगा, अगर ये चेंज होगा तो ये नीचे की तरफ चला जाएगा, कुछ पानी तो यहां पे होगे, जो जो पानी आ रहे हैं अब यहां इतना सरफेस है तो कुछ पानी आगे यहां पर टकराएगा और क्या होगा बॉकेट में कलेक्ट होगा। अरे हाँ या ना, मगर जो पहले था पूरा सरफेस से टकराए के, जो टकरा के जो पानी कलेक्ट हो रहा था यहां, वो पानी अब उतना नहीं कलेक्ट होगा, कम हो जाएगा थोड़ा। इसका ओरिएंटेशन इसको मैं चेंज करते जाऊं तो थोड़ा थोड़ा पानी मेरा बल्टी में कलेक्ट होना कम हो जाएगा। आया कि नहीं समझ में, अगर मैं इसे पूरा प्लेन रख लूं तो पानी आएगा सीधा कलेक्ट, सीधा मेरा पानी आएगा सीधा क्रॉस करके चला जाएगा, यहां पे कोई भी पानी नहीं टकराएगा, यहां पे कोई भी पानी नहीं टकराएगा। आ रहा है समझ में कि नहीं, अरे हाँ यहां बोल, अरे हाँ यहां बोल, पूरा है। तो मैं मॉकेट यहां पे रखा हूं, पानी आ रहा है ऊपर भी चला जाए, यहां पर कोई कलेक्ट नहीं हो रहा है। अरे हाँ यहां, तो जो पानी तेरा है, पानी जो आ रहा है वो तेरा लाइन्स ऑफ फोर्स है, वो तेरा क्या है लाइन्स ऑफ फोर्स, फील कर थोड़ा, फील कर उसे, समझने की कोशिश कर। यहां पे तेरा जो लाइन पानी आ रहा है वो तेरा क्या है लाइन्स ऑफ फोर्स है। आ रहा है नहीं, अब ये वाला जो है, ये वाला है तेरा एरिया वेक्टर, ये वाला तेरा क्या है एरिया वेक्टर। देख इस तरह मैं पकड़ू तो इसका एरिया वेक्टर किधर जाएगा, तेरे ही तरफ जाएगा या इधर ही जाएगा, यही तो बात है ना। लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे आ रहा है, लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे आ रहा है, टकराएगा लाइन्स ऑफ फोर्स, टकराया किसके साथ एरिया वेक्टर के साथ, किसके साथ टकराया एरिया वेक्टर के साथ। आया कि नहीं समझ, बॉकेट में क्या कलेक्ट हुआ नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू दिस एरिया वेक्टर, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू दिस एरिया वेक्टर। आया कि नहीं समझ में, अरे हाँ या ना, तो जो बॉकेट में कलेक्ट हुआ वो तेरा क्या बना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तेरा क्या बना इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर तू एरिया का एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, एरिया का एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ चेंज करते करते जाएगा, चेंज करते करते जाएगा, तो तेरा क्या होगा, तो तेरा फ्लक्स भी वहां पे चेंज होते होते जाएगा। तो हम यहां पे तीन चीज देख रहे हैं, फ्लक्स किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स के साथ एरिया वेक्टर के ऊपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के साथ क्या एंगल कर रहा है, क्या एंगल कर रहा है। आया कि नहीं समझ में, अरे हाँ या ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पास करते जाएगा, एरिया वेक्टर का वैल्यू या आएगा या कम आएगा, और क्या एंगल बनाता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के साथ, ये तीनों चीज के ऊपर डिपेंड करेगा मेरा फ्लक्स। आ रहा है समझ में, अरे हाँ या ना। अब देख खुद यहां पे, अब खुद इसको देख क्या बना मेरा, मान के चल क्या होता है इसका एरिया वेक्टर जिस तरह होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मान के चलो मेरा इधर जा रहा है, अब ये थीटा एंगल बनाएगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के साथ जाएगा, ई कॉस थीटा इधर इधर आएगा क्या, ई साइन थीटा इधर आएगा क्या, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट बॉडी को पास करते हुए जाएगा, बॉडी को पास करते हुए जाएगा। आया कि नहीं, बॉडी को पास करते हुए जाएगा, एरिया वेक्टर बॉडी को पास करते हुए जाएगा, ई कॉस थीटा, ये ई साइन थीटा टच करते हुए जाएगा, देखो टच करते हुए कैसे जाएगा, ये मेरा है
इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ रहा है, मान लीजिए ये मेरा एरिया, ये मेरा सरफेस था, एरिया वेक्टर इधर था, एरिया वेक्टर इधर था, ये मेरा क्या बना, ये मेरा क्या बना, इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ कि नहीं। तो यहां पे जो आएगा पास करते हुए अंदर की तरफ कौन जाएगा, cos theta, छूटते हुए कौन जाएगा ऐसे ऐसे, अगर एक कंपोनेंट इधर बना मेरा, अगर एक कंपोनेंट मेरा इधर बना, मतलब कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, देख इधर बना होगा ऐसे बनेगा, एक कंपोनेंट इधर बनेगा, दूसरा कंपोनेंट मेरा इधर जाएगा, देख ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है जो एरिया वेक्टर को क्रॉस करते हुए जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट है जो प्लेन को टच करते हुए जाएगा, पास नहीं करना है, टच करते हुए जाएगा, ये अंदर घुसेगा, ये अंदर घुसेगा, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहे, हाँ या ना। तो क्या बनेगा मेरा, यहाँ पे डी ए, यहाँ पे ई कॉस थीटा, यहाँ पे ई साइन थीटा, आया समझ में, ना इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं होगा, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं होगा शायद, आया कि नहीं समझ में। तो कौन सा कंपोनेंट आप लेंगे, ई कॉस थीटा का कंपोनेंट लेंगे, तो फाइन मैं बोल रहा हूं ई कॉस थीटा इंटू डी ए बनेगा, क्या बनेगा, डी ए बनेगा, क्या बनेगा, डी ए बनेगा। तो इससे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, अच्छा ये मेरा डी फाइव बना लो, डी फाइव बना लो, स्मॉल फ्लॉक्स है तो स्मॉल एरिया के लिए, इसे मैं लिख सकता हूं ई डॉट डी ए, दिखाई दे रहा है कुछ डॉट प्रोडक्ट, कुछ कुछ दिखाई दे रहा है डॉट प्रोडक्ट ई डॉट डी ए, तो मैं लिख सकता हूं फाइव इक्वल टू ई डॉट ए, फाइव इक्वल टू ई डॉट ए, आया भी नहीं समझ में, अरे हाँ ना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज फ्लक्स, आया कि नहीं समझ में, अरे हाँ ना, फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी, ऑल्दो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया आर वेक्टर क्वांटिटी, फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी कैसे हुआ, अबे नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स है यार, नंबर एक है, हाँ कि नहीं, हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया, आ रहा है समझ में ना, तो इसका फिजिकल क्वांटिटी इसका यूनिट भी होगा, मगर दैट नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया, आ रहा है समझ में, कितना पॉकेट में कितना पानी कलेक्ट हुआ, जितना पानी कलेक्ट होगा उसका एक कोई डिरेक्शन है क्या, नहीं है, तो इस तरह फ्लक्स का भी कोई डिरेक्शन नहीं है, आ रहा है समझ में, तो इसका यूनिट क्या बनेगा, इसका यूनिट क्या बनेगा, देखिए सर एसआई में क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है न्यूटन कूलम इनवर्स, एरिया का है मीटर स्क्वायर, एरिया का है, ये वाला यूनिट बनेगा न्यूटन कूलम इनवर्स, आ रहा है समझ में, अरे हाँ आ गया समझ में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेसिक आइडिया तुमको मिल गया, अब ये थोड़ा ऊपर डेफिनेशन याद रख लेना, यही वाला डेफिनेशन था इतना है तुमको एग्जाम में, कॉन्सेप्ट ये सारी चीजें जो जो मैंने यहाँ पे एग्जाम दिया वो सारे कॉन्सेप्ट है, आ गया समझ में। अब अगर यहाँ पे मैंने एंगल चेंज करूं, एंगल चेंज करते हुए जाऊं तो फ्लक्स का वैल्यू चेंज होगा, देख कैसे चेंज होता है, कैसे चेंज होता है, देख अगर यहां पे मेरा थीटा जीरो आ गया, अगर यहां पे मेरा थीटा जीरो आ गया, थीटा जीरो डिग्री आने पे फाइ क्या बनेगा, ई ए, फाइ क्या बनेगा, ई इन वे मैक्सिमम, फाइ क्या बनेगा, ई ए मैक्सिमम, हाँ जी नहीं, थीटा जीरो मतलब क्या है, थीटा जीरो मतलब क्या, ठीक है एग्जाम्पल देख, थीटा जीरो मतलब क्या, थीटा किसके किसके बीच का एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, ये मेरा एरिया वेक्टर है, ये है या ये है कोई भी होगा, मान लीजिए इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में क्या एंगल आया, क्या एंगल आया, तो फ्लक्स कितना बनेगा, एच पर। अगर वहां पे क्वेश्चन दे दे कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विद द प्लेन ऑफ द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विद द प्लेन ऑफ द सरफेस, तो क्या बनेगा वो वाला फ्लक्स, वही ये बनेगा, प्लेन ऑफ तो ये है प्लेन, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है तो प्लेन, अच्छा देख ये प्लेन है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री, अगर मेरा वाई जेड प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, वाई जेड प्लेन में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है तो एरिया वेक्टर का डिरेक्शन क्या बनेगा, क्या बनेगा, वाई जेड में जा रहा है तो आई क्या बनेगा, अरे हाँ एक्स एक्सिस में तो बनेगा ना, एक्स एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू वाई जेड प्लेन, तो क्या बनेगा, आई क्या भी बनेगा, तो उस तरह ही करना है हमको, एरिया वेक्टर के साथ 0 डिग्री, प्लेन के साथ 90 डिग्री इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल होने पे मेरा फ्लक्स मैक्सिमम आएगा, फाइ इक्वल टू ई ए ही आएगा, बोल देता हूं ये, हाँ कि नहीं, आप देख
थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री किसके किसके बीच में आएगा, ई और जी के बीच में, तो फाई क्या आएगा, जीरो ही आएगा, फाई क्या आएगा, जीरो ही आएगा। थीटा 90 डिग्री मतलब क्या है, थीटा 90 डिग्री मतलब क्या है, ये वाला सरफेस इस तरह है, ये एरिया 90 डिग्री हो गया, ये एरिया परपेंडिकुलर तो नहीं होगा, मेरा फ्लक्स ऐसे जाएगा, फ्लक्स मेरा कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो इसके बीच में एंगल 90 डिग्री बना, इसके बीच में एंगल 90 डिग्री बना, आ रहे हाँ या ना, मगर यहां पे कोई फ्लक्स सरफेस को पास करते हुए नहीं जाएगा, यहां पे कोई वाटर कलेक्ट नहीं होगा, आ रहा है समझ में कि नहीं। जब थीटा एरिया वेक्टर के साथ 90 डिग्री बना रहा है तो सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है, जीरो, सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है, जीरो, आया कि नहीं समझ में, आ रहे हाँ या ना, डाउट क्लियर हुआ ना, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं होगा, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं होगा, आया समझ में ना, यहां पर कोई दिक्कत है किसी को, ठीक है। अगर वहां पे और एक केस भी देख सकते हो, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हुआ, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हुआ तो फाई इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा, डिरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, एरिया वेक्टर इधर आ रहा है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा मेरा, नेगेटिव हो जाएगा, फ्लक्स क्या हो जाएगा मेरा, नेगेटिव हो जाएगा, आया ध्यान रख सकता हूं, क्लियर हो गया, अरे हाँ या ना। नेक्स्ट को देखते हैं, नेक्स्ट को देखते हैं गॉस लॉ, नेक्स्ट को देखते हैं गॉस लॉ क्या चीज है, देखो गॉस लॉ क्या चीज है, गॉस लॉ क्या बोल रहा है, गॉस लॉ क्या बोलेगा, पहले छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, क्या एग्जाम्पल है उसको देखो, पहले क्या दिया गया है मुझे यहां पे, मुझे यहां पे एक स्फेरिकल शेप दिया है, स्फेरिकल शेप दिया है जिसका रेडियस आर है, ये सेंटर है, ये वाला सरफेस है, रेडियस क्या है आर है, चार्ज मेरा डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा यहां पे, चार्ज मेरा सॉरी चार्ज यहां पे मिला है, चार्ज यहां पे मिला है, इतने डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, रेडियल आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियल आउटवर्ड यहां से इधर चलेगा, यहां से इधर 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 सब इधर इधर बाहर की तरफ चलेगा। अब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन यहां पे क्या होगा, वो भी बाहर की तरफ जाएगा सरफेस से, और ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बना तो ये मेरा क्या बनेगा, एरिया वेक्टर ही बनेगा। अरे हाँ या ना, देखिए इधर कैसे जा रहा है, देखिए इधर देखिए सर, ये मेरा स्फेरिकल सरफेस है मान के चल, हाँ क्यों नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कैसे जाएगा, यहां से इधर की तरफ जाएगा, ऐसे ऐसे हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगा, इधर ऊपर की तरफ जाएगा, हाँ कि नहीं, एरिया वेक्टर कैसे आएगा, यही आएगा, चार्ज यहां पे है, चार्ज यहां पे है, सरफेस से बाहर की तरफ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ जाएगा, तो दोनों के बीच में एंगल क्या बनेगा, जीरो बनेगा, और ये एरिया वेक्टर सरफेस को 90 डिग्री है, अरे हाँ यार हाँ, ऐसे बना दो तो ऐसे ही बनेगा, ऐसे बना दो तो दोनों ऐसे ही बनेंगे। अब देख क्या बना रहा है यहां पे, क्या बनेगा मेरा यहां पे, फाई इक्वल टू, अच्छा ई क्या बनेगा, ई का वैल्यू फॉर्मूला क्या बनेगा, ना 1/4πε0 q/r² चार्ज q है, रेडियस r है, तो डिस्टेंस के हिसाब से बनेगा e^4π/q/r² फाई का फॉर्मूला क्या बनेगा, फाई का फॉर्मूला क्या बनेगा, फाई का फॉर्मूला बनेगा, फाई का फॉर्मूला बनेगा e dA cos थीटा का इंटीग्रेशन, e dA cos थीटा का इंटीग्रेशन, थीटा क्या है यहां पे, e और d के बीच का एंगल क्या है, जीरो, तो e dA cos जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कांस्टेंट है, बाहर की तरफ आ गया, e वैल्यू क्या है, 1/4πε0 q/r², देख ये तो कांस्टेंट है, चार्ज का वैल्यू कांस्टेंट है, रेडियस का वैल्यू, तो दोनों बाहर आ जाएंगे, क्या कॉस जीरो का वैल्यू क्या है, पानी डीए का इंटीग्रेट मुझे करने में क्या मिलेगा, एरिया, किसका एरिया है, स्फीयर का एरिया, स्मॉल डीए का इंटीग्रेट करने मुझे क्या मिलेगा, बड़ा एरिया मिलेगा, क्या है उसका टोटल एरिया, टोटल एरिया किसका है, स्फीयर का है, तो 1/4πε0 q/r² एरिया का वैल्यू क्या है स्फेरिकल सरफेस के लिए, 4π कैंसिल आउट हो गया, r² कैंसिल आउट हो गया, फाई इक्वल टू क्या बन गया मेरा, q/ε0 क्या बन गया मेरा, q/ε0, हाँ कि नहीं, आ रहे हाँ कि नहीं, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एक क्लोज सरफेस, एक क्लोज सरफेस, जो भी क्लोज ले लो तुम यहां पे, जो भी क्लोज ले लो तुम यहां पे, पासिंग थ्रू एक क्लोज सरफेस,
is equal to 1 by epsilon 0 times the total charge passing through that surface. Total charge passing through that surface. Total electric flux passing through a closed surface is equal to 1 by epsilon 0 times net charge, or total charge passing through that surface. ये हुआ मेरा गॉस लॉ. ये हुआ मेरा क्या? गॉस लॉ. गॉस लॉ states that the total electric flux passing through a closed surface is equal to 1 by epsilon 0 times the net charge passing through that surface. आया समझ में कि नहीं? पांच चार्ज पास करें, पांच का ऐड कर लो, नेट चार्ज कितना होगा? वापस पॉजिटिव नेगेटिव इधर जा रहा है, पॉजिटिव इधर जा रहा है, नेगेटिव ऐड कर लो, जो होगा 1 / एप्सिलॉन 0 टाइम्स द क्या टोटल चार्ज आया था. ये वाला हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ये गॉस लॉ का प्रूफ है, ये गॉस लॉ का प्रूफ है. ये वाला होता है गॉस लॉ, इसको हमने प्रूफ किया. हाँ कि नहीं? हमने प्रूफ किया है इसको. आ रहा है समझ में कि नहीं? स्फेरिकल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, एरिया वेक्टर बाहर, दोनों इसमें आ जाएगा, क्या बनेगा? जीरो. जहां पे यहां पे लो, यहां पे लो, जहां पे भी लोगे, जहां पे पॉइंट पे भी लोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर डायरेक्टली आउटवर्ड आर इन द सेम डायरेक्शन, आर आर इन द सेम डायरेक्शन. बन गया ये मेरा प्रूफ. अरे हाँ, याना स्क्रीन को पज करके लिख लो, स्क्रीन को पज करके लिख लो. अब लिखेंगे एक गॉस लॉ यूज करके, गॉस लॉ यूज करके हम कूलम्स लॉ डिराइव करेंगे. क्या डिराइव करेंगे? कूलम्स लॉ डिराइव करेंगे. देखिए कैसे करते हैं, कैसे करते हैं. देखिए डेरिवेशन ऑफ हेडिंग, डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ बाय यूजिंग गॉस लॉ, डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ बाय यूजिंग गॉस लॉ. ये 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम पे. 3 मार्क्स का कोई एक क्वेश्चन आता है बोर्ड पे. यहां पे मेरा एक टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, यहां पे मेरा एक चार्ज है क्यू. यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है. अच्छा थोड़ा रहेगा, मैं इधर कर लेता हूं, दिखाने में मुझे आसान होगा. यहां से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, यहां से मेरा डायरेक्शन क्या है वेक्टर का, इधर जा रहा है. यहां पे मेरा सेंटर पे कोई चार्ज है सोर्स चार्ज क्यू, और यहां पे चार्ज है क्यू नॉट, डिस्टेंस है उनके बीच का आर. मुझे कूलम्स लॉ डिराइव करना है. कूलम्स लॉ क्या बोल रहा है? कूलम्स लॉ बोल रहा है फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस क्यू और क्यू नॉट का फॉर्मूला क्या आएगा ना, एफ इक्वल टू 1/4πε0 क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर. 1/4πε0 क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर. ये मुझे प्रूव करना है. कहां से? गॉस लॉ को यूज करके. पहले हम लिखेंगे यहां पे लाइंस ऑफ थोड़े थोड़े छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीधे जाएंगे. गॉस लॉ क्या बोलते हैं? फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन. तो पहले आपको दिखना है कि यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास कर रहा है, यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास कर रहा है. आ रहा है समझ में कि नहीं? अरे हाँ, या ना दिख इधर कैसे पास करते मिल जाएगा. फाई का फॉर्मूला क्या है मेरा? ई आर डी ए, मतलब ई ए कॉस थीटा है. एक ही चीज है, कोई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. अच्छा ई डी ए कॉस थीटा मैं लिख लेता हूं, इसका इंटीग्रेशन बना देता हूं. क्यों तुम दुखी आत्मा की तरह लिखोगे? ई डी ए कॉस थीटा. डी ए कॉस थीटा का वैल्यू हो गया कॉस जीरो. मैंने अभी भी समझाया कैसे थीटा का जीरो होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों आउटवर्ड ही होंगे. ई डी ए कॉस जीरो. ई का वैल्यू रख लो डी ए. डी ए का इंटीग्रेशन कॉस जीरो बात है. डी ए का इंटीग्रेशन क्या मुझे मिलेगा? 4πr² क्यों ना? ये वाला मेरा है किसका? स्फीयर का एरिया है. स्फीयर का एरिया है. अरे हाँ या ना, ये वाला क्या है? स्फीयर का एरिया है. तो ई इंटू 4πr² सिंपल डायरेक्शन समझे. किसी को किसी के साथ भी लेके जोड़ना है हमको. E इक्वल टू यहां में नीचे आ जाएगा 1/4πε0. ऊपर में q है, नीचे में ये r² है. देखो दिखाई दिखाई लग रहा है. अरे बच्चों दिखाई दिखाई लग रहा है कोई फॉर्मूला? ए तो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बोला था कि q चार्ज है, r डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 1/4πε0 q / r². अब यहां पे कोई टेस्ट चार्ज है, यहां पे कोई टेस्ट चार्ज है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्चर। यही तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में बोला था, यही तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में ही बोला था, जब फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्चर। यह पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? अरे हाँ पढ़े थे जरूर। तो एफ बाई क्यू नॉट इक्वल टू वन बाई फोर जो क्यू बाई आर स्क्वायर, तो क्या बना, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू बाई आर स्क्वायर। तो एफ मेरा क्या बनेगा, ये वाला हम ये मल्टीप्लाई हो जाएगा वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। क्या बना, एफ इक्वल टू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। दिखाई दे रहा है सबको? अरे हाँ यही तो मेरा कूलम्स लॉ है, यही तो मेरा कूलम्स लॉ है। हाँ या ना बोल? अरे हाँ या ना। तो हमने गॉस लॉ लगाया, कूलम्स लॉ को डिराइव कर दिया, गॉस लॉ लगाया कूलम्स लॉ को डिराइव कर दिया। आया कि नहीं समझ में? अरे हाँ या ना। तो इतना तक हो गया, अरे हाँ या ना। तो ये जो था ये फ्लक्स का कॉन्सेप्ट था, अच्छी तरह से इसको पढ़ो आज। कल फ्लक्स के रिलेटेड कुछ कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स कराएंगे और यहां से इंपोर्टेंट चीज शुरू होगा कि फ्लक्स का एप्लीकेशन, ठीक है, गॉस लॉ का एप्लीकेशन। तीन डिफरेंट डिफरेंट में एक लाइन चार्ज में होगा, एक सिलिंड्रिकल सरफेस में होगा, एक स्फेरिकल सरफेस में। हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। यहां तक समझ में आ गया? यहां पर कोई डाउट है तो मुझे कॉमेंट्स में लिखो, हाँ कि नहीं। तो नेक्स्ट क्लास में हमने क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास को हमने गॉस लॉ का एप्लीकेशन करेंगे और फ्लक्स रिलेटेड कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। आया समझ में? अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। मैंने बोला तुमको सब ये सब कुछ, तो यहाँ पे क्या होगा, गॉस लॉ कहाँ पे अप्लाई हो सकता है? गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए गॉसियन सरफेस चाहिए। क्या चाहिए? गॉसियन सरफेस। एक्चुअली ये गॉसियन सरफेस होता क्या है, देखो ये जो गॉसियन सरफेस जो मैंने यहाँ पे प्रूव किया, जो न्यूटन लॉ को यूज किया, कूलम्स लॉ को प्रूव किया, गॉस लॉ यूज करके, या फिर जो गॉस लॉ मैंने प्रूव किया, ये सब अप्लीकेबल तभी हो सकता है गॉसियन सरफेस के लिए। एक गॉसियन सरफेस होता क्या है, देख कोई बात नहीं, कोई भी एक सरफेस जो एक चार्ज को एनक्लोज कर रहा होगा, एक हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी सरफेस वाला है, हाँ कि नहीं, एन इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस व्हिच एनक्लोजेस द चार्ज, इज कॉल्ड ए गॉसियन सरफेस। बेसिकली गॉसियन सरफेस हम 3D में लेते हैं, कहां पे लेते हैं, 3D में लेते हैं, कहां पे लेते हैं, 3D सरफेस को लेते हैं। आया समझ में? व्हाट इज गॉसियन सरफेस? ए 3D सरफेस, इमेजिनरी सरफेस जो कि एक चार्ज को क्लोज कर रहा होगा, हाँ कि नहीं, आ रहा समझ में? और सिमेट्रिक होगा, 3D सरफेस क्यों, क्योंकि वो सिमेट्रिक है सरफेस। आया समझ में? आ रहे हाँ या ना। अब देख कुछ कुछ छोटे छोटे चीज में करने जा रहा हूं, गॉसियन सरफेस हो गया, ये 3D सरफेस हो गया ना। तो 3D सरफेस मतलब हम एक स्फीयर ले सकते हैं, एक ट्यूब ले सकते हैं, एक सिलेंडर ले सकते हैं, और कुछ ले सकते हैं। बेसिकली हम जो जो अप्लाई करेंगे, जो जो हम अप्लाई करेंगे यहां से, तो हम ये तीनों को ही अप्लाई करेंगे यहां पे, देखते हैं हमारे सिलेबस में जो है वो, इसीलिए हम अप्लाई करेंगे। और गॉस लॉ कहां कहां पे मैं अप्लाई कर सकता हूं, गॉस लॉ कहां कहां पे मैं अप्लाई कर सकता हूं, देख पहला चीज है गॉस लॉ के लिए गॉसियन सरफेस चाहिए, एक सिमेट्रिक सरफेस चाहिए। क्या चाहिए? एक सिमेट्रिक सरफेस होना चाहिए। अगर यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, इसे एरिया वेक्टर जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक मतलब हर पॉइंट में इधर 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 सिमेट्रिक होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, सब में ई इलेक्ट्रिक फील्ड आना चाहिए। आया समझ में? अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। अब जो एरिया वेक्टर के साथ इसका एंगल थीटा इक्वल टू 0° होना चाहिए, थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0° होना चाहिए, थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0°। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर सेम एंगल, हो गया। तो क्या हुआ मेरा, थीटा इक्वल क्या होना चाहिए, 0°। हर पॉइंट में, यहां पे भी होगा, यहां पे भी ई और ए भी होगा, यहां पे भी ई और ए भी होगा। अरे समझ में? अरे हाँ या ना। हर पॉइंट पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एरिया वेक्टर का एंगल क्या होना चाहिए, 0° होना चाहिए, 0° होना चाहिए। अरे समझ में? अरे हाँ या ना। हर पॉइंट में मेरा एंगल थीटा इक्वल टू 0° होना चाहिए। आया समझ में कि नहीं?
चार रेखाएं। अगर समझ में आ रहा है तो पहला कंडीशन क्या होगा, मेरा गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक होना चाहिए अबाउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से सिमेट्रिक होना चाहिए। दूसरा आया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड भी सिमेट्रिक होना चाहिए। तीसरा आया थीटा क्या होगा, जरूरी किसके किसके बीच में, ई एल हर जगह, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह मेरा थीटा क्या होना चाहिए, जीरो डिग्री होना चाहिए। लास्ट लास्ट में क्या होगा एक कंडीशन से कि ये जो गॉसियन सरफेस है ये चार्ज को पास करते हुए नहीं जाएगा, चार्ज को पास नहीं करेगा। डेफिनेशन मैंने बोला है इट एनक्लोजेस द चार्ज, एनक्लोजेस द चार्ज एनी हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी थ्री डी सरफेस व्हिच एनक्लोजेस ए चार्ज इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। चार्ज को एनक्लोज करे, चार्ज को पास नहीं करेगा। अरे इट गॉसियन सरफेस इट डज नॉट, गॉसियन सरफेस डज नॉट पास थ्रू ए चार्ज, पास थ्रू ए चार्ज, चार्ज को पास करते हुए नहीं जाएगा, ये एनक्लोज करना चाहिए। ये चारों कंडीशंस पे मेरा गॉस लॉ वैलिड होगा, गॉस लॉ में अप्लाई कर सकता हूं। बेसिकली हम यही बोला ही ये कंडीशंस को जानकर पढ़ेंगे। आया समझ में, गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक होना चाहिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह गॉसियन सरफेस में हर जगह सिमेट्रिक होना चाहिए, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर जीरो होना चाहिए हर जगह, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ एट एवरी पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस। एंड गॉसियन सरफेस डज नॉट पास थ्रू ए चार्ज, इट एनक्लोजेस द चार्ज। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ याना, आगे समझ में, इसमें कोई बुराई वाली बात या दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट पर चलेंगे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स करेंगे, फ्लॉक्स के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे और गॉस लॉ के की बेसिकली न्यूमेरिकल्स करेंगे। वन ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 15 मिनट ही लूंगा। और 15 मिनट देखो क्या होता है यहां पे, पहला क्वेश्चन मुझे दिया गया, पहला क्वेश्चन मुझे दिया गया कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान के चलिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 30 आई क्या प्लस 40 जे क्या प्लस 50 के क्या है, क्या क्वेश्चन देखो, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल 30 आई क्या प्लस 40 जे क्या प्लस 50 के क्या न्यूटन पर कूलम इज पासिंग थ्रू ए, इज पासिंग थ्रू ए, इज पासिंग थ्रू ए सरफेस, इज पासिंग थ्रू ए सरफेस, पासिंग थ्रू ए सरफेस ऑफ एरिया, ऑफ एरिया 300 मीटर स्क्वायर, ऑफ एरिया 300 मीटर स्क्वायर लाइंग, लाइंग इन एक्सजेड प्लेन, लाइंग इन एक्सजेड प्लेन। आया समझ में कि नहीं? लाया समझ में कि नहीं? एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 30 आई क्या प्लस 40 जे क्या प्लस 50 के क्या न्यूटन पर कूलम इज पासिंग थ्रू ए एरिया ऑफ 300 मीटर स्क्वायर लाइन इन एक्सटेंड प्लेन, पासिंग थ्रू ए सरफेस ऑफ एरिया 300 मीटर स्क्वायर व्हिच लाई इन द एक्सटेंड प्लेन। फाइंड द फ्लॉक्स, आसान सा क्वेश्चन, फाइंड द फ्लॉक्स, क्या है फॉर्मूला मेरा, फ्लॉक्स फाइ इक्वल टू मुझे पता है ई डॉट ए ही होता है, ये वाला ई का वेक्टर है, अगर ए का वेक्टर में बनाऊं, ए का वेक्टर में बनाऊं क्या बनेगा 300 एक्सटर प्लेन में आता है, एक्सटर प्लेन मतलब कौन सा प्लेन, सरफेस को परपेंडिकुलर होगा, कौन सा एक्सिस को परपेंडिकुलर होगा, एक्सजेड मतलब वाई को, एक्सजेड में आ रहा है मतलब उसका परपेंडिकुलर किस डायरेक्शन में आएगा, वाई पे, तो 300 जे क्या, 300 जे क्या, नाउ फाइव, नाउ फाइव इक्वल टू, फाइव इक्वल टू ई क्या बना 30 आई क्या प्लस 40 जे क्या प्लस 50 के क्या डॉट विथ 300 जे क्या, तो आई को मैं डॉट प्रोडक्ट है, ये वाला क्या है डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं अपने अपने कंपोनेंट के हिसाब से मल्टीप्लाई करते हैं, आई का कंपोनेंट आई के साथ, जे का कंपोनेंट जे कंपोनेंट के साथ, के का कंपोनेंट के कंपोनेंट के साथ, तो जे कंपोनेंट को जे कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा ना 300 इंटू 40 दैट इज इक्वल टू 3 × 4 = 12 जीरो न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर, यही मेरा फ्लॉक्स है, यही मेरा फ्लॉक्स उसी सरफेस में पास करेगा। हाँ कि नहीं, क्या मैं बोला था फ्लॉक्स कहां पे होता है, जो सरफेस को घुस के जाएगा, जो सरफेस के अंदर ही जाएगा, टच करके नहीं जाएगा, घुस के जाएगा, आई एम के टच करके जाएगा, वाई से प्लेन टच करके जाएगा,
तो वो कंपोनेंट लेने की जरूरत ही जे कंपोनेंट परपेंडिकुलर है उसे ही लेना है। आया समझ में कि नहीं? आ गए हाँ या ना? गॉस लॉ के बारे में, अब ये वाला न्यूमेरिकल हो गया ना, ये वाला न्यूमेरिकल हो गया ना। अच्छा ठीक है, अब देखेंगे, अब लिखेंगे वहां पे अगर कोई एंगल दिया गया होगा, वहां पे अगर कोई एंगल दिया हो गया थीटा लिया था, स्क्रीन को पास करके लिखना है, लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या बना कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक सर्कुलर प्लेन शीट है जिसका रेडियस कुछ दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ दिया गया है एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द फील्ड। अच्छा देखो क्या क्या दिया है, सर्कुलर प्लेन शीट है जिसका रेडियस दिया गया है मुझे 10 सेंटीमीटर मान के चल, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है 5 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम, इट मेक्स एन एंगल कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स एन एंगल 60 डिग्री। क्वेश्चन इस तरह दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ सरफेस विथ द प्लेन ऑफ द सरफेस With, अच्छा प्लेन ऑफ द सरफेस में ये लिख लेता हूं, विथ प्लेन ऑफ सरफेस। क्वेश्चन को अच्छी तरह से लिखो, पूछा गया है फाइंड फ्लक्स वन, क्वेश्चन को अच्छी तरह से लिखो, फाइंड फ्लक्स मुझे पूछा गया है, क्या मैं करूं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे इतना दिया गया है, आर इतना दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्स आना गया 60 डिग्री विद द प्लेन ऑफ सरफेस फाइंड फाइव। फॉर्मूला क्या है, फाइव का फॉर्मूला क्या है, फाइव इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा ठीक तो है ना फॉर्मूला, तो यहां से क्या बनेगा, थीटा कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का है। अगर ये सरफेस के साथ 60 डिग्री कर रहा है, सोच जाना यहां पे साइड में कर रहा हूं, सरफेस के साथ अगर 60 डिग्री कर रहा है तो प्लेन नॉर्मल के साथ कितना डिग्री करेगा, थीटा इक्वल टू 90 - 60 तो होगा ना 30 डिग्री, देखते से होगा ये वाला सरफेस ये वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड मान के लिए, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, सरफेस के साथ कितना एंगल है 60 डिग्री, तो इसका नॉर्मल के साथ कितना एंगल होगा, नॉर्मल के साथ कितना एंगल होगा, देख ये वाला नॉर्थ एरिया है, ये वाला एरिया है, ये वाला सरफेस है, सोच जरा ये वाला एरिया सर, ये वाला सरफेस आया कि नहीं समझ में, अब ये वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे हाँ या ना दिक्कत, अच्छा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सरफेस, ये एरिया, आया समझ में, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के साथ 60 डिग्री कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के साथ 60 डिग्री कर रहा है तो एरिया के साथ कितना एंगल करेगा, रेस्ट एंगल, क्यों, क्योंकि एरिया के साथ सरफेस का एंगल क्या है 90 डिग्री, तो बाकी बचा कितना एंगल 30 डिग्री, अरे हाँ या ना, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, ई का वैल्यू होगा 5 × 10⁶ एरिया, सर्कुलर प्लेन है क्या बनेगा एरिया, पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा का वैल्यू, ये पता है आयर को क्या मैं लिखूंगा, 10 × 10⁴ सेंटीमीटर है, मीटर करना है, टेम्परेचर माइनस टू का स्क्वायर, कॉस थर्टी का वैल्यू √3/2, पाई का वैल्यू 22/7, ये बन गया मेरा 5 × 10, इसे तुम आंसर निकाल सकते हो, यूनिट लिखना न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर, ये वाला आंसर निकाल सकते हो, अरे हाँ या ना, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, निकाले जाता हूं इसका लिखना, लिख लो स्क्रीन पर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या मिला, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक सिलिंड्रिकल सरफेस, मान के चल कि सिलिंड्रिकल सरफेस कहीं पर ले सकते हैं, अच्छा दो टाइप का क्वेश्चन करेंगे, ये भी एक सिलेंडर है, हाँ कि नहीं, अरे हाँ कि नहीं, क्या दिया गया है मुझे, एक सिलेंडर इज प्लेस इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विच इट्स एक्सिस पैरेलल टू द फील्ड, इसका जो एक्सिस इधर है, इसका जो एक्सिस है
इसी एक्सिस के साथ मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, विच इज एक्सिस पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ द सिलिंडर, चार्ज चार्ज को अंदर, चार्ज सिलिंडर के अंदर। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालना है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालना है, कैसे निकालेंगे? पहले हम क्या करेंगे? अच्छा, इसमें ही क्वेश्चन क्या है, वही फाइंड फाइव, वही फाइंड फाइव। तो इसमें जो बनेगा, इसमें जो बनेगा, कितना सरफेस है, क्या क्या सरफेस हो सकता है, सिमेट्रिकल सरफेस कितना हो सकता है? एक यहां से शुरू करके यहां से यहां से यहां से यहां से ये वाला एक सिमेट्रिक सरफेस हो सकता है, ये वाला एक सिमेट्रिक सरफेस हो सकता है। दो और सरफेस मुझे मिल गया सिमेट्रिक सरफेस, बेस सरफेस इसको हम बोल सकते हैं, और ये वाला भी हो सकता है। हाँ जी, अरे हाँ जी, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चलेगा, एरिया वेक्टर भी इधर चलेगा, सरफेस है सिलिंड्रिकल सरफेस देखा चल, यहां पर ये वाला सिलिंड्रिकल सरफेस, यहां से इधर चलेगा, यहां से इधर चलेगा, ये अंतर, और यहां से ऊपर, ये जो फेस है, ये फेस है इसका एरिया भी, इसका जो फेस है इसका एरिया भी, इसका जो है ऊपर, तो ये ऊपर की तरफ, यहां से ई, यहां से एरिया वेक्टर, यहां से इधर तो ई जा रहा है, एक्सिस पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और एरिया वेक्टर इसको इधर जा रहा है, यहां पे एंगल क्या बनेगा, थीटा इक्वल टू जीरो, यहां पे क्या बनेगा, थीटा इक्वल टू, यहां पे क्या बनेगा, थीटा इक्वल टू 90। तो फाइव मेरा क्या हुआ कि फाइव, इसको मैं वन सरफेस, इसको मैं टू सरफेस, इसको मैं थ्री सरफेस बना देता हूं, वन सरफेस, टू सरफेस, और इसको मैं थ्री सरफेस बना देता हूं। आया समझ में नहीं? तो फाइव इक्वल टू क्या बनेगा, फाइव वन प्लस फाइव टू प्लस फाइव थ्री। आया समझ में? तो यहां पे क्या बनेगा, ई ए कॉस जीरो, यहां पे क्या बनेगा, ई ए कॉस नाइनटी, यहां पे क्या बनेगा, ई ए कॉस जीरो। आया समझ में? कॉस जीरो का वैल्यू क्या है, वन, तो आंसर क्या आएगा, ये कॉस नाइनटी का आंसर जीरो, इसका आंसर। तो क्या बना मेरा टोटल, फाइव इक्वल टू टू ई ए, फाइव इक्वल टू क्या बना, टू ई ए। आया समझ में? अरे हाँ यार, हो गया, अरे हो गया कि नहीं, अरे हुआ कि नहीं। अगर मेरा डायग्राम, अगर मेरा डायग्राम कुछ इस तरह दिया गया होता, अगर मेरा डायग्राम कुछ इस तरह दिया गया होता, सोच जरा इस तरह दिया गया होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा ऐसे जाता, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इसका एरिया ऊपर की तरफ जाता, इसका एरिया नीचे की तरफ जाता। आया कि नहीं समझ में? अरे हाँ यार, इसका एरिया इधर जाता, तो यहां पे फ्लक्स कितना मिलता, जीरो, यहां पे फ्लक्स कितना मिलता, जीरो, यहां पे मिलेगा फाइव इक्वल टू ई ए। आ रहा है समझ में? देख, डायग्राम चेंज होने पे, डायग्राम का क्या, ओरिएंटेशन चेंज होने पे मेरा फ्लक्स भी चेंज होता है, वही डायग्राम, वही सिलेंडर, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस के साथ पास करके जा रहा था, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक्सिस को परपेंडिकुलर होके जा रहा है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हो गए, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हो गए, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर पास चल गया, तो क्या मिलेगा, यहां फाइव इक्वल ई ए मिलेगा, यहां पे जीरो, यहां पे जीरो। अरे समझ में आया नहीं? अरे हाँ यार, बोल, ठीक है, तो नेक्स्ट को चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट को चलेंगे, नेक्स्ट को चलेंगे, नेक्स्ट में क्या देता है जी, जरा नेक्स्ट में क्या करेंगे हम? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन तो यहां तक हो गया है, अब क्या करते हैं, मुझे एक क्वेश्चन पूछा कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए चार्ज ऑफ वन कूलम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए चार्ज ऑफ वन कूलम। बहुत आसान सा चीज है यार, सिंपल में गॉस लॉ डालो, यहां पे यही से गॉस लॉ का कॉन्सेप्ट आ गया है, ऐसे ऐसे यहां से गॉस लॉ का कॉन्सेप्ट आ गया, वो वाला था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट, यहां से आहिस्ता आहिस्ता गॉस लॉ की चीज। फाइव इक्वल कितना होगा, अगर क्यू इक्वल मेरा वन, सिंपल सा लॉजिक है यार, फाइव इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो डाल दो, गॉस लॉ तो यही कहता है ना। एक्चुअली में गॉस लॉ में होता क्या है, ये जो फाइव है इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर जो है, ये कहां पे अप्लाई होगा, गॉस लॉ, क्लोज सरफेस, गॉसियन सरफेस, क्लोज सरफेस के लिए हम ऐसे लिखेंगे, ये वाला हो गया तो ये क्लोज हो गया, इसका और कुछ नहीं करना, क्या नहीं जो करना है, मैथमेटिक्स में करके क्लोज इंटीग्रल होता है, हम फिजिक्स में सिर्फ इतना ही जानेंगे कि फाइव इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल, मतलब है इंटीग्रल
यहाँ पे एक गोल बना दिया। ऐसा समझ लीजिए फाइ इक्वल इज नॉट ए इक्वल टू क्यू बाई वन, यही तो मेरा गॉस रूल ना। तो फाइ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एरिया परपेंडिकुलरली एंड क्यू बाई एप्सिलॉन, ये हो गया मेरा 1 प्लस एप्सिलॉन 0 हो गया मेरा 8.85 इनटू 10 टू द पावर माइनस 12, जो आंसर आएगा यहाँ पे लिख लेना न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर में ही आएगा। आया समझ में? अरे हाँ यार ना बोल, आगे बढ़ेंगे। अरे आगे बढ़ेंगे, हो गया इतना तक, आगे बढ़ते हैं। अब एक अच्छा अच्छा क्वेश्चन करेंगे। हाँ ये वाला हो गया, बिटाने देता हूं। अगर एक बेसिक फॉर्मूला में बताने जा रहा हूं, बेसिक फॉर्मूला बेसिक सा क्वेश्चन से, कोई भी एक चार्ज कोई भी एक बॉडी इस तरह का है, ताकि नहीं यहां पे चार्ज है क्यू वन, यहां पे चार्ज है माइनस क्यू टू, यहां पे चार्ज है माइनस क्यू थ्री, यहां पे चार्ज है क्यू फोर, यहां पे चार्ज है माइनस क्यू फाइव। आया समझ में? क्वेश्चन पहला इस तरह का, कोई बॉडी है, बॉडी के अंदर मेरा चार्ज है क्यू वन माइनस क्यू टू माइनस क्यू थ्री, बॉडी के बाहर मेरा चार्ज है क्यू फोर और माइनस क्यू फाइव। मुझे पूछा गया है फाइंड फ्लक्स, मुझे पूछा गया है फाइंड फ्लक्स। अच्छा फ्लक्स कितना होगा, मुझे पूछा गया है फ्लक्स कितना होगा, मुझे पूछा गया है दिख क्या होता है फ्लक्स, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, गॉस लॉ। जो चार्ज इनसाइड में है q इनसाइड y एप्सिलॉन 0, हां नहीं चार्ज एनक्लोज हम बोल रहे थे ना, चार्ज एनक्लोज तो वैसे अच्छे से क्लोज होते, तो इनसाइड में लिख सकता हूं। अरे ना ना, इनसाइड में कौन कौन चार्ज है, इनसाइड में कौन कौन चार्ज है, आया समझ में? अरे आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ ना ना, तो क्या होगा प्रॉफ, क्यू वन माइनस क्यू टू माइनस क्यू थ्री, क्यू फोर क्यू फाइव के लिए क्या होगा, फ्लक्स आएगा मगर ये बॉडी के थ्रू पास नहीं करेगा, बॉडी के थ्रू पास नहीं करेगा, सिमेट्रिक नहीं। अरे हाँ ना ना, तो ये वाला हो गया। अगर अंदर में जो चार्ज है बाहर के चार्ज के लिए कैसा फ्लक्स बनेगा बॉडी के थ्रू, हम वो निकालेंगे। डोंट वरी फॉर दैट, आई विल सी यू देयर। अच्छा ओके, देखो यहाँ पे क्या होता है, फाइ इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन जीरो, क्यू वन क्योंकि अंदर में जो चार्ज है क्यू वन माइनस क्यू टू माइनस क्यू थ्री बाई एप्सिलॉन, हो गया ये वाला। आगे हाँ यहाँ ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं क्या किया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अच्छा देखो, मान के चलो एक हेमिस्फीयर लेते हैं यहाँ पे। अरे वाह अच्छा सा डायग्राम मैंने बना लिया, एक हेमिस्फीयर है, चार्ज मेरा कहीं यहीं पे है। देखो अच्छा सा डायग्राम मैंने बनाया है, पहली बार क्या पूछा गया है, मुझे पूछा गया है फाइंड फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फेरिकल सरफेस। बहुत सारे बुक्स में ये क्वेश्चन आता है, देते हैं फाइंड फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फेरिकल सरफेस, बहुत आसान सा चीज है, पता है एक ही मिनट में आंसर हो जाएगा। देखो मैंने क्या बोला था, जो हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे एक क्लोज सरफेस पर अप्लाई करेंगे, जहां पे चार्ज मेरा सेंटर में तो सिमेट्रिक होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके हिसाब से सिमेट्रिक होना चाहिए। तो मैं क्या बनाता हूं, मैं क्या बनाया ना, यहां से पूरे स्फीयर, ये हेमिस्फेरिकल सरफेस, ये वाला क्या है जो हमको क्वेश्चन में गिवन था वो एक हेमिस्फेरिकल सरफेस था, मैंने क्या बना दिया, एक स्फेरिकल सरफेस बना दिया। अबे हाँ यार, अब इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इधर चलेगा, इधर चलेगा, इधर चलेगा, ऊपर तो इधर चलेगा, नीचे तरफ इधर चलेगा, इधर चलेगा, अब ये सिमेट्रिक बन गया। अरे जो भी टोटल स्फेरिकल सरफेस हो गया था तो इसका जो फ्लक्स था कितना, पाई पर क्यू बाई एप्सिलॉन था। अरे हाँ ना, तो ऊपर में कुछ था नीचे में कुछ था, जो भी इक्वली डिवाइडेड था, जो कि इक्वली डिवाइडेड था। अरे हाँ ना, अब ये हेमिस्फेरिकल सरफेस का मतलब क्या है, ये जो फाइ ऊपर में कुछ था नीचे में कुछ था, अब ये जो मतलब के चल फाइ इक्वल टू ऊपर का फ्लक्स होता है फाइ वन, नीचे का लेते हैं फाइ टू, जहां पे मेरा फाइ वन इक्वल टू फाइ टू है, ऊपर में जो है नीचे भी है, तो फाइ इक्वल टू क्या बनेगा मेरा क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो, ये फाइ ये भी फाइ है मैं मान लेता हूं। अच्छा फाइ वन नीचे की तरफ फाइ वन, ऊपर की तरफ फाइ टू, नीचे की तरफ फाइ वन, ऊपर की तरफ फाइ टू मैं मान लेता हूं, तो टू फाइ वन इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो, फाइ वन इक्वल टू क्यू बाई टू एप्सिलॉन जीरो। आया समझ में? क्या कहते हैं, एक हेमिस्फेरिकल सरफेस को एक फुल्ली स्फेरिकल सरफेस मैंने बना दिया, मैंने देखा कि सेंटर में जो चार्ज है ऊपर के तरफ
फ्लक्स जाएगा नीचे की तरफ उतना फ्लक्स आएगा, तो जो फ्लक्स है वो ऊपर की तरफ जितना नीचे की तरफ उतना ही आएगा, तो इक्वलाइज हो। तो फाइव वन टू क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो फाइव वन प्लस फाइव वन टू फाइव वन क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो फाइव वन क्या बन गया था क्यू बाई टू एप्सिलॉन फाइव वन फाइव वन क्या बन गया था फाइव वन सॉरी क्यू बाई टू एप्सिलॉन जीरो। आया समझने के लिए? तो फ्लक्स जो है स्फेरिकल सरफेस क्या बन गया मेरा क्यू बाई टू एप्सिलॉन। क्या करना है मुझे, कोई भी दिया गया है उस चार्ज को उसी हिसाब से सेंटर में ले आओ, कोई यहां से इधर उधर के छोटे सिमेट्री डायग्राम बना दो और उसके क्या ले आओ एक स्फेरिकल सरफेस सॉरी एक गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक सरफेस ले आओ तो हो जाएगा। आया समझ में? अब एक और एक क्वेश्चन देता हूं जो भी एक, ये भी क्वेश्चन बुक में है, ये भी मैं क्वेश्चन जो दूंगा ये भी मेरा बुक में है। क्या दिया गया है देखो, क्या दिया गया है, ये दिया गया है मुझे कि एक स्क्वायर है यहां पे, उस स्क्वायर मेरा कुछ इस तरह का है, ये वाला मेरा एक स्क्वायर है पैरेलल वाला स्क्वायर है जिसका साइड ए। क्वेश्चन क्या कहते हैं, ये मेरा सेंटर है, ये सेंटर से सेंटर मतलब थी मान के चलिए ये मेरा पाम जो है ये मेरा एक सेट स्क्वायर है, हाँ कि नहीं, एक स्क्वायर है सेंटर पर स्क्वायर के सरफेस से ऊपर ए बाई टू डिस्टेंस एच है ए ऊपर ए बाई टू मतलब यहां पे नहीं यहां पे मान के यहां पे कोई चार्ज क्यू है कोई चार्ज क्या है इतना है कि ये वाला डिस्टेंस कितना है उसका ए बाई टू। देखो कितना अच्छा सा सवाल है, स्क्वायर है स्क्वायर का साइड है ए स्क्वायर सरफेस के ए बाई टू ऊपर में स्क्वायर सरफेस से ए बाई टू ऊपर में मैंने एक चार्ज क्यू रखा है और पूछा गया है फाइंड फ्लक्स फाइंड फ्लक्स फाइंड फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर फाइंड फ्लक्स थ्रू द फाइंड फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। क्वेश्चन सर तुम्हारे क्वेश्चन बच्चों तुम्हारे मन में ये आएगा, पहला क्वेश्चन जो आएगा बोलोगे सर यहां पर जो चार्ज मेरा बाहर है तो ये फ्लक्स कैसे देगा बच्चों, फ्लक्स देगा क्योंकि हम इसको गॉसियन सरफेस बनाएंगे, फ्लक्स इधर उधर पास कर रहा है, ये सिमेट्रिक अगर हो गया तो इसे हम फ्लक्स पास करेगा, सिमेट्रिक हो गया तो फ्लक्स पास करेगा। देखो इसे कैसे गॉसियन सरफेस बनाते हैं, इसे कैसे हम गॉसियन सरफेस बनाते हैं, देखो इस स्क्वायर को लेके हम क्यूब बना सकते हैं जरूर बना सकते हैं, दी कैसे बनता है दी कैसे बनता है हो गया ये सरफेस हो गया और इसके ऊपर दिखाई दे रहा है ठीक ठाक है बच्चों ना और कोई दिक्कत वाली बात कोई दिक्कत वाली बात इसमें थोड़ा सा है थोड़ा सा है थोड़ा सा है आ गया अब क्यों दिख रहा है अब दिख रहा है कि नहीं क्यों थोड़ा मैं पीछे जाके दिख देता हूं। हाँ तो बच्चों देखो हाँ ये दिखाई तो दे रहा है यहां पे थोड़ा और डायग्राम को सीधा कर लेते हैं इसको थोड़ा ऐसे बनाते हैं। अच्छा अब हुआ क्या अब दिखाई दे रहा है सही सही दिख जरा अब सही सही दिखाई दे रहा है क्या अबे हाँ या ना दिखाई दे रहा है ना अच्छा ठीक है अब दिखाई दे रहा है तो ये मेरा क्या बन गया अभी अच्छा चार्ज थोड़ा ऊपर चला गया है चार्ज थोड़ा ऊपर चला गया है चार्ज इतना ऊपर भी नहीं गया होगा क्यों बनाते बनाते मैं थोड़ा उसको ऊपर ले गया क्या सर हम इतना गंदा डायग्राम करते हो अच्छा देखो ये वाला मेरा क्यू है ये वाला मेरा क्यू ए बाई टू डिस्टेंस था अच्छा सब साइड ए है क्या हुआ यहाँ पे अब ये डायग्राम इसे स्फेरिकल सरफेस क्यूबिकल सरफेस बना देने से ये वाला चार्ज क्यूब एक क्यूब का सेंटर में आ गया चार्ज क्यूब क्या है सेंटर में आ गया क्या दिया गया फाइंड फ्लक्स टू द स्क्वायर फाइंड फ्लक्स टू द स्क्वायर कहां पे चार्ज आ गया है सेंटर टोटल फ्लक्स में सॉरी टोटल क्यूब में कितना फेसेस है एक क्यूब में क्यूब का कितना फेस है छह टो फेस है अबे क्यूब का कितना फेस है छह टो फेस है देख क्यूब नहीं है इसे मान के चल क्यूब के तरह एक फेस नीचे का दो फेस तीन फेस चार फेस पांच छह हाँ कि नहीं ये वाला देख इधर एक हो जाएगा देख मैं कर लेता हूं यहां पे
ये एक फेस हो गया, ये एक फेस हो गया, ये एक फेस हो गया, ये एक फेस हो गया। कितना फेस मुझे दिखाई दे रहा है? चार फेस दिखाई दे रहा है। अब यहां आ ना, पीछे की तरफ एक फेस होगा पांच, नीचे की तरफ एक फेस होगा छह। आया समझ में? पीछे की तरफ एक फेस होगा पांच, नीचे की तरफ एक फेस होगा छह। आया समझ में? क्यूबिक का, क्यूब का कितना फेस होता है? छह फेस। अगर छह फेस हुआ तो फाइव का टोटल फ्लक्स कितना बनेगा? क्यू वाई एक्स कॉस। छह फेस के लिए सब में क्या आएगा? इक्वल फ्लक्स आएगा, सब में क्या आएगा? सिमेट्रिक है, इक्वलाइज हो जाएगा। यहां पर इतना, वहां पर इतना, उतना ही रहेगा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं फाइव वन प्लस फाइव वन, सबका फाइव वन लिख सकता हूं। आप हाँ या ना? सब में इक्वल है, एक दो तीन चार पांच छह। आया समझ में? आया समझ में? आ रहे हाँ या ना? तो सिक्स फाइव वन इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो, तो मेरा फाइव वन क्या बन जाएगा? क्यू बाई सिक्स फ्लॉक्स टू द स्क्वायर एक फेस के। अच्छा, इसको दो तरह के क्वेश्चन हम बना सकते हैं। एक स्क्वायर दिया गया है, उसे a by 2 डिस्टेंस के ऊपर है, a by 2 डिस्टेंस ऊपर है, तो फ्लॉक्स क्या बनेगा? q by 6 एप्सिलॉन। एक स्क्वायर के लिए मतलब अगर मेरा चार्ज एक क्यूब का सेंटर पे है तो एक फेस के लिए, एक फेस के लिए मेरा फ्लॉक्स बनेगा q by 6 एप्सिलॉन जीरो। आया सबको समझ में? नहीं बोलो अरे हाँ ना? तो इसे एक नोट डाउन भी कर लो। इफ द चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेस ऑफ द क्यूब इज क्यू बाई सिक्स एप्सिलॉन जीरो। कैसे हुआ पता चला? अरे हाँ या ना? सबको समझ में आ गया? इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, तो मैं ये मिटा सकता हूं, मिटा दूंगा। ठीक है, ये वाला हो गया। अगर ये तुमको डिस्टेंस नहीं जाए, सिर्फ यहां पर भी पूछेगा कि चार्ज मेरा सेंटर पे है तो फ्लक्स कितना होगा? क्यू बाई सिक्स। अगर ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब देगा क्या? कि अब देगा कि अगर मेरा चार्ज, अगर मेरा चार्ज कहां पे होगा? एज में, वर्टेक्स में होगा। क्या होता है वही वाला वर्टेक्स में आ गया क्वेश्चन, वर्टेक्स में क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा? मान के चल कि ये मेरा एक क्यूब है, ये मेरा एक क्यूब बन गया, क्यूब बन गया, क्यूब बन गया, क्यूब बन गया। इसका कोई एज नहीं, यहां पे मान के कोई भी एज हो, यहां पे एज हो, वर्टेक्स एज तो नहीं, वर्टेक्स बोल सकते हैं, वर्टेक्स में चार्ज क्यूब है। फाइंड, क्वेश्चन इस तरह दिया गया, दो तरह के क्वेश्चन यहां पे करेंगे। फाइंड फ्लक्स थ्रू, फ्लक्स थ्रू क्यूब बोला, यहां पे सरफेस नहीं बोला, यहां पे बोला फाइंड फ्लक्स थ्रू क्यूब। कैसे करेंगे? फाइंड फ्लक्स थ्रू क्यूब कैसे करेंगे? इसको सेंटर पे लाना पड़े, क्योंकि ये तो सेंटर पे नहीं है ना, ये तो सेंटर पे नहीं है ना, ये बहुत सा थोड़ा सा यहां पर ट्विस्ट होगा। देखो क्या होता है, एक क्यूब का एज में अगर कोई चार्ज है, क्यूब का एज में कोई अगर चार्ज है तो उसे सेंटर में लाने के लिए हमको और कुछ क्यूब वहां से लगाना पड़ेगा, और कुछ क्यूब वहां से लगाना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? अरे हाँ यहां और कुछ क्यूब यहां पर लगाना पड़ेगा। देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल देखकर मैं बोल देता हूं, अगर मेरा यहां पे कोई, सॉरी, अगर यहां पे मेरा कोई स्क्वायर है, ये बता, स्क्वायर से समझ लो क्यों समझ में आ जाए। यहां पे अगर इसको मैं सेंटर करना चाहूं तो क्या करना पड़ेगा? मुझे यहां पे कोई एक स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा। देख अच्छी तरह से मैं बोल रहा हूं, यहां पर ए पहले स्क्वायर मेरा नहीं था, एक स्क्वायर यहां पर था। अगर इसी एक वर्टेक्स को मुझे सेंटर करना पड़े तो मैं इसे क्या करूंगा? और कुछ स्क्वायर में यहां पे ज्वाइन करना पड़े। कैसे सेंटर? यहां से एक स्क्वायर बना लू, फिर यहां से कोई एक स्क्वायर बना लू, फिर यहां से कोई एक स्क्वायर। देखो अभी सेंटर में आ गया, एक दो तीन चार, अभी सेंटर में आ गया। आया कि नहीं समझ में? अरे हाँ यहां, अब बोल ठीक से, अच्छी तरह से देखी दो, ये सेंटर पे एक एज देखा, इसको मुझे सेंटर पे लाना पड़ेगा। अब इसको मुझे सेंटर पे लाना पड़ेगा, सेंटर पे लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सेंटर पे लाने के लिए मुझे अब क्या करना पड़ेगा कि मुझे इसके साथ थोड़े थोड़े क्या करना पड़ेगा? ज्वाइन करना पड़ेगा। किसको? स्क्वायर ज्वाइन करना पड़ेगा। स्क्वायर ज्वाइन करूं तो कैसे बनेगा? एक दो तीन चार, आया कि नहीं समझ में? अरे हाँ या ना? आया समझ में? उसी तरह का एक स्क्वायर से मुझे चार स्क्वायर बनना पड़ेगा। एक वर्टेक्स में जो चार्ज था स्क्वायर का,
उसे सेंटर पे लाने के लिए मुझे चार स्क्वायर को ज्वाइन करना पड़ गया। अब इसको मुझे कितना सेंटर में ज्वाइन करना पड़ेगा, क्यूब को, क्यूब का एज नहीं है, उससे सेंटर में लाने के लिए कितना करना पड़ेगा, सोच जरा, चार है तो क्यूब सोच, क्यूब के साथ फ्रंट पे चार आए, ये अगर क्यूब है तो यहां पे कुछ ऐसे ही आ जाएगा कि नहीं, अरे यहां कुछ ऐसे ही ऐसे ही आ जाएगा, तो यहां पे कुछ आएगा, यहां पे कुछ, ये तो आगे की तरफ हो गया ना, पीछे की तरफ भी फिर आएगा, पीछे की तरफ पहुंचा, क्यूब के हिसाब से सोच, स्क्वायर पे नहीं, स्क्वायर तो समझ गया, अब क्यूब के हिसाब से सोच, पीछे की तरफ और चार ड्राइव करना पड़ेगा। अब हाँ या ना आया समझ में, तो कितना आएगा, यहां पे मुझे 8 क्यूब चाहिए, क्या चाहिए, 8 क्यूब चाहिए, यहां मुझे कितना चाहिए, 8 क्यूब चाहिए, अरे हाँ या ना, तो 8 क्यूब अगर चाहिए मुझे यहां पे, तो सब में कितना आएगा, 5 क्यूब में कितना, 8 क्यूब में कितना आएगा, क्यूब भाई समझो, 1 क्यूब के लिए कितना आएगा, 1 क्यूब के लिए कितना आएगा, 5 = 5 = q/8, आ रहे समझ में नहीं, आ रहे समझ में, टोटल 8 क्यूब के लिए कितना आएगा, q/8 के लिए कितना आएगा, q/8, यही तो हमने पूछा गया है, 1 के लिए निकालो, अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, लिख लो लिख लो लिख लो, स्क्रीन को पास करके लिख लो, आया समझ में, ये वाला हो गया। अब नेक्स्ट लिखते हैं, अब नेक्स्ट लिखते हैं, वही वाला क्वेश्चन मुझे क्या दिया गया होगा, वही वाला क्वेश्चन मुझे दिया गया होगा कि वही एज पे मान के चल कि वही एक क्यूब है, वही एक क्यूब है, क्यूब का वर्टेक्स, एज में बोल रहा हूं गलती से, वही वाला क्यूब का वर्टेक्स में है, क्यूब का वर्टेक्स में है, अरे बाबा, अच्छा ये हो गया, हो गया, वर्टेक्स में है चार क्यूब, क्या मुझे पूछेगा कि एक फेस से निकालो, फाइंड फ्लॉक्स थ्रू वन फेस ऑफ द क्यूब, वन फेस ऑफ द क्यूब, एक फेस से कितना फ्लॉक्स निकलेगा, क्या मैंने बोला, अगर चार्ज वर्टेक्स में है क्या करना पड़ेगा, जिसे सेंटर में लाने के लिए, उसको सेंटर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोल, अरे बोल, सेंटर पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेंटर पे लाने के लिए मुझे बहुत सारे क्यूब वहां को ज्वाइन करना पड़ेगा, कितना क्यूब, 8 क्यूब आगे पीछे ज्वाइन करने में, साइड में ज्वाइन करने में, ये क्या बनेगा, एक सिमेट्रिक सरफेस बनेगा, आया समझ में, आया समझ में, उसके बाद क्या होता है, थोड़ा दिख मान के चल, अच्छा मैं ना मोबाइल ले जाता हूं, मैं एक मोबाइल लाता हूं, ये एक सरफेस था, अच्छा ये एक सरफेस था, एक फेस, दो फेस, तीन फेस, चार फेस, पांच फेस, छह फेस, कौन कर सकता है, क्यों कर रहे हैं, सॉरी, छह फेस का, छह फेस के साथ क्या होता है, ये ऊपर में ज्वाइन कर लिया मान के चल, तो एक फेस इसका भी कैंसिल कर दो, इसका भी कैंसिल कर दो, सोच जरा अच्छी तरह से, नहीं बोल रहा हूं क्या होता है, क्या होता है, इससे मैं ज्वाइन कर लिया, इससे मैं यहां पे ज्वाइन कर लिया, यहां से ज्वाइन कर लिया तो एक फेस कैंसिल कर, पीछे से ज्वाइन कर लिया तो एक फेस कैंसिल कर, पीछे से ज्वाइन कर लिया, अब ऐसे कैंसिल नहीं होगा, 8 क्यूब ज्वाइन करने से, 8 क्यूब ज्वाइन करने से, सोच जरा 8 क्यूब ज्वाइन करने में, एक क्यूब का टोटल ज्वाइन कर लिया तो एक क्यूब का कितना फेस कैंसिल आउट होगा, कितना फेस कैंसिल आउट होगा, एक क्यूब का कितना फेस आता है, 6 फेस, कितना कैंसिल आउट होगा, 3 कैंसिल आउट होगा, क्यों कहती, ये निकल के रहेगा, ऊपर वाला कब रहेगा, इधर ऊपर वाला नहीं रहेगा, इधर रहेगा, ये नीचे की तरफ रहेगा, साइड रहेगा, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, तू खुद करके देख क्या क्या कैंसिल आउट होगा, एक इधर से हो गया, एक फेस ये चिपका गया, ये कैंसिल आउट, ये चिपका, ये कैंसिल आउट, बाकी कितना फेस बचे, 3 में से 1, 2, 3 नीचे गया, हो जाएगा, खुद करके देख ले,
कभी ये मत लिख लेना, कभी ये मत लिख लेना स्टार फाई इक्वल टू, अगर मेरा क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो हुआ, ये 8 क्यूब है तो यहां पे 6 फेसेस है तो 6 × 8 एप्सिलॉन जीरो, कभी मत लिख लेना, ये गलत आंसर है, ये गलत आंसर है। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना, ये गलत आंसर होगा क्यू बाई 6 × 8 एप्सिलॉन जीरो लिखने पे। सही आंसर क्या होगा कि मेरा एक क्यूब का 3 फेस कैंसल आउट होगा, तो क्या होगा क्यू बाई 3 × कितना क्यूब है 8 है, तो क्यू फॉर बाई 24 एप्सिलॉन जीरो होगा। एक फेस अगर मैं ज्वाइंट करने चलू साइड साइड इधर उधर से, तो 3 फेस एक का 3 फेस अंदर चिपका जाएगा, अंदर में हो जाएगा। अरे हाँ या ना, अंदर में चिपका जाएगा। बाकी बचेगा कितना 3 फेस, 8 में कितना 24, तो क्या आंसर होगा क्यू बाई 24 एप्सिलॉन जीरो फ्लॉक्स टू द 1 फेस। आया समझ में? अरे हाँ या ना, तो ये वाली बात हो गई। तो यहां तक तो गॉस लॉ का न्यूमेरिकल से कैसे करते हैं समझ में आ गया होगा, आया कि नहीं? अरे हाँ, और एक लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन एक अच्छा सा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या देता हूं, लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन। वो वाला एक रिंग दिया गया है, ये वाला एक रिंग है जिसका रेडियस मुझे दिया गया है कैपिटल आर। क्वेश्चन में मुझे पूछा गया है एक स्फीयर मुझे बनाना है, एक स्फीयर मुझे बनाना है जिसका सेंटर, स्फीयर का सेंटर रिंग का पेरिफेरी को टच करता है, रिंग का पेरिफेरी को टच करता है, उसका भी वही रेडियस है, उसका भी वही रेडियस है। अच्छा बहुत बड़ा लग गया, गंदा है। अब इसका भी रेडियस आ रहे, सोच जरा, इसका भी रेडियस आ रहे रिंग, ये वाला हो गया मेरा स्फीयर। पूछा गया है मुझे क्वेश्चन, फाइंड फ्लॉक्स, फाइंड फ्लॉक्स, फाइंड फ्लॉक्स थ्रू द स्फीयर, फाइंड फ्लॉक्स थ्रू द स्फीयर, फाइंड फ्लॉक्स थ्रू द स्फीयर। आया कि नहीं समझ में क्या मैं बोल रहा हूं? अच्छा क्या दिया गया है, फाइंड फ्लॉक्स थ्रू द स्फीयर, फ्लॉक्स थ्रू द स्फीयर, फ्लॉक्स किस किस के लिए है स्फीयर में, स्फीयर में क्या क्या चार्ज है? अच्छा चार सरफेस में यूनिफॉर्म रिंग का भी स्फीयर का, मान लीजिए कि क्यू है, ये वाला सोच जरा, सोच यहां पे चाहे यही क्वेश्चन के लिए मुझे फ्लॉक्स मिलेगा, फाइंड फ्लॉक्स टू द स्फीयर, यही क्वेश्चन के लिए मुझे फ्लॉक्स मिलेगा, तो मुझे निकालना है ये कितना क्वेश्चन है स्फीयर, कितना क्वेश्चन है। अच्छा ये वाला आर है तो यहां पे भी मैं एक बना सकता हूं आर होगा, यहां पे बना सकता हूं आर होगा। अरे हाँ या ना, ये वाला एंगल अगर ये मैं यहां पे ज्वाइंट कर लू तो ये वाला एंगल 60 बनेगा, ये मैं ज्वाइंट करूं तो ये वाला एंगल 60 बनेगा। डायग्राम दिखाई दे रहे, समझ में आ रहा है? मुझे फ्लॉक्स इसी पोर्शन पे निकालना है, ये उसका सेंटर है, ये रिंग का सेंटर, ये स्फीयर का सेंटर, रिंग ऑफ द सेंटर, स्फीयर ऑफ द सेंटर। हाँ तो इसे मैं ज्वाइन करूं तो ये 60 बना, ये 60 बना, टोटल एंगल कितना बनेगा 120 डिग्री, टोटल स्फीयर का, टोटल स्फीयर का कितना डिग्री घुमाना है 360 डिग्री, तो ये कितना पोर्शन है 1/4 पोर्शन है, कितना पोर्शन है 1/4 पोर्शन है, चार्ज कितना है क्यू, अगर इसके 1/3 पोर्शन यहाँ पे है, यही वाला यहाँ पे 1/3 पोर्शन भी होगा। अरे हाँ नहीं, यही तो उसका क्या क्लोज करता है, इनक्लोज करता है ना इसको, ऐसे है हाँ कि नहीं, ये उसका आर्क है, ये उसका एंगल है। अरे हाँ या ना, तो ये वाला अगर 120 हुआ, 120 मतलब कितना है 1/3 ऑफ स्फीयर, 1/3 ऑफ स्फीयर, तो कितना फ्लॉक्स आएगा ना 1/3 ऑफ 5 टोटल कितना होता है 1/3 ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो, तो 5 इक्वल टू क्या बनेगा क्यू बाई 3 एप्सिलॉन जीरो। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना, आया समझ में? हो गया ना इतना बार ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है। अगर यहां पर कोई डाउट है जो मैंने आज समझाया, अगर कहीं पर भी डाउट है तो जरा कॉमेंट्स में। I am